दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी कि आपने 3D इंट्रो कैसे बनाया। 3D इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल का नाम या कोई भी आप नाम रखना चाहते हो उसकी PNG बनानी होगी। अगर आपको PNG बनाने के बारे में पता नहीं तो आप मेरे लास्ट अपलोड किया हुआ वीडियो देख लो, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप PNG बनाने के बारे में बताया है। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहीं पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि 3D इंट्रो कैसे बनाते हैं। मैं समय वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम मीडिया ब्राउज़र में जाएंगे। मीडिया ब्राउज़र में जाके हमने जो भी फोल्डर में अपना इंट्रो रखा था उस फोल्डर में से हम अपना इंट्रो को सिलेक्ट कर लेंगे। इंट्रो हमने सिलेक्ट कर लिया, उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएंगे। अब हम लेयर्स में जाके मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाके हमने जो PNG पहले बनाई थी उस PNG को हम 1x1 इस इंट्रो में ऐड करेंगे। यहाँ से मैं अपनी पहली PNG, अपनी चैनल के नाम वाली PNG में सिलेक्ट करूँगा। फिर हम उसे जो भी साइज़ में रखना चाहते हैं वो साइज़ में रख देंगे। अब हम यहाँ से वीडियो को प्ले करेंगे। यहाँ से मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा। अभी मुझे ये छोटी लग रही है मेरी PNG, इसे मैं बड़ा कर लूँगा ताकि पीछे जो नाम लिखा हुआ है वो दिखाई ना दे। फिर से हम प्ले करके देख लेते हैं कि अब ठीक से लग रही है या नहीं लग रही। यहाँ से मैं स्टॉप कर लूँगा, फिर हम कट में जाएंगे, फिर यहाँ से मैं कट कर लूँगा क्योंकि मेरा वीडियो यहीं पर स्टॉप हो जाता है। इसलिए फिर से मैं अब वीडियो को प्ले करता हूँ। अब हमें दूसरी PNG का यूज़ करना है, इसलिए जहाँ पे अपने आपको PNG रखनी है वहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लेंगे। फिर हम लेयर्स में जाएंगे, फिर मीडिया में जाके अपनी दूसरी PNG सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम उसकी साइज़ छोटी या बड़ी जितनी साइज़ हम रखना चाहते हैं उतनी साइज़ यहाँ से रख सकते हैं। मैं यहाँ से सेंटर में ले लूँगा क्योंकि मेरा वीडियो सेंटर में आएगा, इसलिए यहाँ से मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँगा। सेटिंग करने के बाद फिर से मैं वीडियो को प्ले करूँगा और देख लेता हूँ कि मुझे PNG सही जगह पे लगी है या नहीं लगी। यहाँ पे थोड़ा साइड पे लगा है PNG मेरी, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सेंटर करूँगा क्योंकि वीडियो में अच्छी दिखे। दोस्तों, मैंने PNG ऐसी ली है जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है, जो मेरा वीडियो है उसके कलर के जैसी ही मैंने अपना PNG का फ्रंट रखा है। यहाँ से मैं प्ले करके देख लूँगा, फिर से यहाँ से स्टॉप करूँगा, यहाँ से मैं कट कर लूँगा क्योंकि हमें हमारा वीडियो यहाँ तक का है। अब हम दूसरी PNG का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम लेयर्स में जाके मीडिया में जाएंगे, फिर से हम अपनी तीसरी PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी रखना चाहते हो वो मतलब आपने खुद बनाई होनी चाहिए PNG। यहाँ से हम PNG को यहाँ पे सेट कर लेंगे क्योंकि हमारा हाथ वहाँ पे आता है। फिर से मैं वीडियो प्ले करके देख लूँगा कि सही जगह पे लगी है या नहीं। यहाँ पे गलत जगह पे लगी है, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा साइड पे ले लूँगा और थोड़ा बड़ा कर लूँगा अक्षर को ताकि दिखाई दे हमें। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, फिर से मैं थोड़ा बैक जाऊँगा, यहाँ से फिर से मैं प्ले करके देख लूँ, थोड़ा अभी भी साइड लग रहा है। हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ी इमेज को क्रॉप कर लेंगे ताकि दिखाई ना दे वीडियो में। जितना वीडियो है उतना ही दिखाई दे। हम फिर से लेयर्स में जाके मीडिया में जाएंगे, यहाँ से हम अपनी दूसरी इमेज PNG सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम उसे यहाँ पे रख देंगे। हार्ट अपना जहाँ से शुरू होता है हैंड वहाँ पे हम रख देंगे और प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस है, इसलिए थोड़ा हम हाथ ना हैंड के पास ले जाएंगे। यहाँ पे जाके मैं छोड़ दूँगा इसे, फिर से मैं प्ले करता हूँ वीडियो। दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना होगा कि हमारा वीडियो जैसा है ऐसे ही हमारी PNG होनी चाहिए, वरना आप थोड़ा साइड पे रखोगे तो अपना वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा और जहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है वहाँ से अपना PNG पिन थोड़ा कट क्रॉप कर लेना होगा। फिर से हम दूसरी PNG सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से PNG सिलेक्ट करने के बाद उसकी साइज़ हम सिलेक्ट कर लेंगे छोटी या बड़ी। यहाँ से दोनों हाथ
क्रॉस है, इसलिए हम थोड़ा अक्षर को बड़ा रखेंगे ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। फिर हम उसे इफेक्ट बाद में देंगे, अभी हम सिर्फ ऐड कर लेते हैं। फिर से हम प्ले करेंगे और दूसरी पीएनजी को यहाँ से हम सेट कर लेंगे। दोस्तों पीएनजी आपको इसी तरह सेट करनी होगी। अगर आप लेयर्स को ज़्यादा बाहर या छोटा या बड़ा रखेंगे तो आपका वीडियो थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पीएनजी को ऊपर जो हमने अपने चैनल का नाम की जो पीएनजी थी उससे हम थोड़ी छोटी रखेंगे। छोटी हम इसलिए रखेंगे ताकि हम जो उसे इफ़ेक्ट देने वाले हैं वो इफ़ेक्ट थोड़ी अच्छी लगे। यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करके देख लेते हैं। हाँ ओके ठीक है, यहाँ से हमारा वीडियो। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नीचे जो पीएनजी है वो थोड़ी बाहर जा रही है वीडियो से, उसे हम क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से हम ऊपर वाली क्रॉप करेंगे, उसके बाद हमें नीचे वाली भी क्रॉप करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा होगी वो दिखाई तो देगी नहीं, इसलिए हमें क्रॉप करनी होगी। दोस्तों अब बारी है एनिमेशन देने की। अब हम एनिमेशन कैसे देंगे, जहाँ पे हमने पहला हमारी पीएनजी रखी थी उसे हम क्लिक करेंगे, फिर एनिमेशन में जाएंगे। यहाँ से हम स्केल डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, स्केल डाउन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बैक चले जाएंगे, यहाँ से हम ओवरऑल एनिमेशन में जाएंगे। ओवरऑल एनिमेशन में हमें सिक्वेंसी हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर हम यहाँ से बैक चले जाएंगे। फिर से हम इसी पीएनजी को एंड में जाएंगे, यहाँ से एंड में जाके हमें आउट एनिमेशन देना होगा। जैसे आउट एनिमेशन में पहले हमने स्केल अप किया था, अब हम स्केल डाउन किया था, अब हम स्केल अप करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके कर लेंगे, फिर हम साइड पे क्लिक कर लेंगे। फिर से हमारी दूसरी पीएनजी में हम आ जाएंगे, फिर से इसी तरह उसमें भी एनिमेशन में जाएंगे, इन एनिमेशन में फिर से हम स्केल डाउन करेंगे, यहाँ से बैक चले जाएंगे। फिर हमें आउट एनिमेशन में जाना होगा, आउट एनिमेशन में हमें स्केल अप कर देना होगा, ऐसे मैं बैक कर लूँगा। फिर हम जाएंगे उसके बाद की पीएनजी में। दोस्तों यहाँ से मेरा नाम अंडरवर्ल्ड बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं इन एनिमेशन में जाऊँगा, यहाँ से स्केल लेफ़्ट कर दूँगा ताकि अच्छी दिखे। और उसके बाद आउट एनिमेशन में जाऊँगा, यहाँ से एंड पे जाएंगे, यहाँ से आउट एनिमेशन जाएंगे, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा स्लाइड राइट। यहाँ से मैं बैक चला जाऊँगा, उसके बाद की पीएनजी सिलेक्ट करूँगा, उसमें इन एनिमेशन में रखूँगा स्लाइड राइट। उसके बाद आउट एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से आउट एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से स्लाइड लेफ्ट करेंगे। फिर हमने जो हमारा चैनल का नाम रखा था उसे हम एनिमेशन देंगे, यहाँ से इन एनिमेशन में जाके हमें स्केल डाउन कर देंगे। यहाँ से मैंने आपको बोला कि हमें अक्सर बड़ा रखना है, इसीलिए स्केल डाउन करेंगे और यहाँ से आउट एनिमेशन में जाके हमें स्केल अप करना है। पहले हमारा स्केल नीचे की तरफ जाएगी इमेज और ऊपर की तरफ आके ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा नाम है, जब हमने अपना नाम रखा था उसे एनिमेशन देंगे पॉपअप, और उसे आउट एनिमेशन में हम देंगे ड्राइव। यहाँ से हम बैक चलेंगे। दोस्तों इसी तरह से आपको पीएनजी इंस्ट्रो बनाना है और आप उसमें एडिटिंग करके अपना नाम, खुद की चैनल का नाम रख सकते हो। तो पूरा रेडी हो गया। दोस्तों इसी तरह से हम इंट्रो बनाएंगे, आप भी बनाओ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे या आपसे ना हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा।